जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, बोल न जाने माया मद माता मरण जीत न आवे। ₹2,500 का नकद इनाम। चलो पुलिस स्टेशन में हमारा चर्चा तो शुरू हुआ। बड़े शर्म की बात है यार, हमें पकड़ने के लिए सिर्फ ₹2,500 का इनाम। सूरज, आज तुमने पहली बार मेरे दिल की बात कही। कहो तो ये इनाम ₹2,50,000 का करवा दूं। तुम्हारा इशारा देने भर की क्यों, कोई बहुत बड़े डाके की प्लान बनाई है क्या? अरे प्लान ही नहीं, आज रात को उसे पूरा भी करना है, लाखों का मामला है। इतनी बड़ी प्लान बना ली और मुझे इस बात की हवा तक नहीं लगने दी। इसलिए कि तुम तो अपनी बीवी बच्चों की हवा में मस्त हो, सोचा कि शायद बड़ी हवाओं का सामना ना करना चाहो। जालिम सिंह, तुमने अभी अपने सूरज सिंह को पहचाना नहीं। अगर सूरज तय कर लेना तो बड़े बड़े तूफानों को भी अपनी मुट्ठी में बंद कर सकता है। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी सूरज। ये रहा हमारे आज रात के ऑपरेशन का प्लान। हम 24 घंटे में 2 बार अटैक करेंगे, ये बात पुलिस कभी अपने ख्वाबो खैर में भी नहीं सोच सकती। आज रात ठीक 8 बजे चांद निकलने के साथ साथ सूरज भी निकलेगा। बच्चे नहीं रोया करते, देखो देखो पिछुआ 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 ले लो बेटे। आप बड़े हो जाइए, अच्छे बच्चे बनिए, फिर मैं अपने हाथों से आपकी उंगली में पहना दूँ। हाँ कितनी खुशबू आ रही है, सारे दिन की थकावट तुम दोनों को देखकर दूर हो जाती है। चलो बेटे पपी दो, चलो। नहीं। क्यों? मंदिर जाने के लिए 6 बजे आने वाले थे और आए हैं 7 बजे। ओहो बेटे, मम्मी से कहो काम भी तो बहुत होता है कि नहीं। चलो, लेट आने का मतलब ये नहीं हमको पारी नहीं मिलेगी। अरे वो क्या है? सावित्री, मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है। ऐसा कौन सा जरूरी काम है, खाना तो खा लीजिए। नहीं सावित्री, बहुत जरूरी काम है, आज मुझे जाने दो। इस काम में बहुत पैसा मिलेगा, हम बहुत अमीर हो जाएंगे। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। नहीं सावित्री, आज मुझे जाने दो प्लीज, जाओ। अच्छा। जय जगदीश हरे भक्त जनों के। देख रहे हो सूरज, न जाने इनकी कीमत क्या होगी। अरे कीमत कुछ भी हो, इस डाके के बाद हमारे सर की कीमत 2,50,000 हो जाएगी। सच कह रहे हो जालिम सिंह, तो हो जाए हो जाए। वो प्लान तुम्हें याद है ना, यहाँ से बच के कैसे निकले? अरे कहाँ वो प्लान? शायद मैं घर बुलाया। सूरज तुम फंसाओगे, अगर किसी के हाथ पड़ गई वो प्लान तो हम लोग फंस जाएंगे। फिक्र मत करो, उसे कोई नहीं देखेगा, उसे कोई नहीं पड़ेगा। इंस्पेक्टर, अपने आदमियों को वापस ले जाओ वरना एक एक को खून दूंगा। नहीं, ये सब छोड़ दो, तुम्हें इस बच्चे की कसम, इस बच्चे की कसम है तुम्हें दोस्ती की कसम। इस औरत को गोली मार दो सूरज, बीवियां तुम्हें बहुत मिल जाएंगी, दोस्त नहीं मिलेगा। मार दो इस औरत को गोली। नहीं, ये तुम्हारा दोस्त नहीं है, तुम्हारा दुश्मन है। कम ऑन।
बंदी कर दो, भागने न पाए। सावित्री, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। नहीं सावित्री, ये हमारा दुश्मन है। फेंक दीजिए, मुझे बचा दीजिए, मुझे वचन दीजिए। आज के बाद कोई बुरा काम नहीं करेंगे, कोई बुरा काम नहीं करेंगे। मुझे वचन दीजिए। मैं वचन देता हूँ, आज के बाद कोई बुरा काम नहीं करूंगा और मुन्ने को एक बहुत अच्छा आदमी बनाऊंगा। और मेरे पैर में जो पिछुआ है ना, वो मुन्ने को दे दीजिए। कितना जलील निकला ये सूरज सिंह, जो सती सावित्री जैसी बीबी उसके रास्ते का कांटा बन गई होगी, उसने इसे भी निकाल फेंका। कौन हो तुम? मैं डॉक्टर सूरज सिंह। मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। घबराओ नहीं नौजवान, घबराओ नहीं। अगर बाहर मारने वाले हाथ हैं तो अंदर बचाने वाले हाथ हैं। जाओ, क्राइस्ट की मूर्ति के पीछे छुप जाओ। खामोशी बता रही है कि तुमने उन दोनों को यहीं कहीं छुपा के रखा हुआ है। मेरे हाथ में बाइबल है और सामने जेसस। मुझे कुछ नहीं मालूम। खुदा के चमचे। ओह गॉड, एक पिस्तौल मेरे हाथ में है और शैतान जालिम सिंह तेरे सामने। बता, सच सच बता दे, वरना पहली गोली मैं हमेशा पांव में मारता हूं, दूसरी पेट में, तीसरी दिल में और चौथी सर में, और उसके बाद बची हुई गोलियां ऊपर आसमान में मुर्दे की शान में सलामी देते हुए। मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। God.
अरे खुसर्ट, तू क्या समझता है कि तूने उन्हें बचा लिया है? खून के धब्बों का पीछा करते हुए मैं उन्हें पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। अरे तू और तेरे सारे भगवान मिलकर उसे इस शैतान से नहीं बचा सकते, मैं उन्हें पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। मैं बाइबल की कसम खाकर कहता हूं कि राजू की मां का कातिल जालिम सिंह है। इसे दुआ दीजिए। गॉड ब्लेस हिम। मैं तुम्हें अपने दोस्त के नाम हवाला देता हूं, तुम्हें वहां काम भी मिलेगा और रक्षा भी। फादर जॉन, इसका नाम आज तक तो राजू था, लेकिन अब आपके नाम से इसे मैं जॉनी बुलाऊंगा। तो फादर जॉन ने तुम्हें भेजा है तो तुम अच्छे ही आदमी हो गए, और आजकल अच्छे आदमी की बहुत महंगाई है। अजीज भैयाम जी साहब, सूरज के रहने का बंदोबस्त करो। अच्छा साहब, तुम आज से काम शुरू कर दो। बहुत बहुत शुक्रिया मालिक। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है, मेरे यहाँ जो भी लोग काम करते हैं वो नौकर नहीं बल्कि फैमिली के मेंबर होते हैं, समझे? जाओ काम करो। अपनी बीवी का खून करके डाकू सूरज सिंह फरार नहीं, मेरी गोलियों से जख्मी होकर वो अब तक तो चील कौओं की खुराक बन चुका होगा। साल का हो गया है जॉनी में वो सब। बाबा आप इतनी रात को जाग के इस डायरी में क्या लिखते हैं? ये डायरी नहीं बेटे, ये तो वाल्मीकि की रामायण है। बाबा वाल्मीकि कौन थे? वाल्मीकि एक बहुत बड़े डाकू थे बेटे। अचानक एक दिन उनके मन की आंखें खुल गईं और उन्होंने बुराई का रास्ता छोड़कर अच्छाई का रास्ता अपना लिया। वाल्मीकि अपने राम की रामायण लिखते थे, मैं अपने जॉनी की रामायण लिखूंगा। तेरी मां की अंतिम इच्छा धीरे धीरे एक दिन पूरी होगी। देख सावित्री, देख अपना जॉनी,
अब जॉनी कितना बड़ा हो गया। माँ, बाबा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। उनके प्यार में मुझे तेरी ममता भी मिल जाती है माँ। ऐसा लगता है कि तू मुझसे दूर गई नहीं, हर वक्त मेरे पास हो। जॉनी बाबा, जॉनी बाबा, बेटे जॉनी, देख देख ये तेरी मां की आखिरी निशानी बेटे, उसका बिछुआ। तुझे बहुत अच्छा लगता था, ये तेरे लिए यादगार बेटे। अभी बताता हूँ, कर्नल साहब ने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देने से इनकार कर दिया, इसलिए आज मैं खुद तुम्हारा हाथ अपने हाथों में लेने आया हूँ। मेरी जान क्याती कहाँ है? तुम तो खेतों पे काम कर रहे थे। अचानक मुझे बदबू आई और मुझे ये लगा कि मेरे मालिक के इलाके में एक जानवर घुसा है। साले गुंडे, तुझे पता नहीं कि तुझ जैसे आदमियों को मेरे मालिक के इलाके में आना मना है? चलो तुमको जानवर के पिंजरे के अंदर बंद कर देता है। इधर लड़की ढूंढने को आया, तुम्हारा मोहल्ले में लड़की नहीं है, उधर ढूंढो दो ढूंढा, एक तुम्हारे लिए एक हमारे लिए। चलो अभी तुम्हारा बैंड बजाता है, चलने जैसे। हाँ चलो तुम्हारा बैंड बजाने का, चलो। ओ जॉनी, आज तुम्हें वो काम करके दिखाया जो हर लवर अपने बिलावर के लिए करता है। थैंक यू। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? मैं आपका नौकर हूँ, आप मेरी छोटी मालकिन है। छोटी मालकिन नौकर? हाँ, आज मैं बैसाखी के मेले में सबके सामने तुम्हारी झूठी शान तोड़ने वाली हूँ। वहां ना तुम नौकर होंगे ना मैं छोटी मालकिन, समझे? Thank you.
तमाशा, अरे अच्छा देख तमाशा, जो न देखा इस जहान में, आ सामने मैदान में, आ सामने मैदान में। टकराएगा टूट के वो रह जाएगा, जो इतना इतराता है आखिर मारा जाता है। अब ये गुस्सा जाने दे, हट जा हवा तो आने दे, ये छोटा सा चिंता, अरे ये छोटा सा चिंता, बह जाएगा तूफान में, आ सामने में दम है तेरी जान में, आ सामने मैदान में, आ सामने मैदान में। ओ मेरी गली के लड़के, ओ मेरी गली के लड़के, बाबूजी मुझे मक्खन लगा क्या? आपको मक्खन रोटी नहीं मिलेगी, ये आपका खाना है। ये मेरा खाना है? गोली है। अरे बाबा इन गोलियों को खाने के बजाय तुम्हें मैदान जंग में गोली खाकर मर जाता तो अच्छा था। डॉक्टर साहब ने आपको यही खाने के लिए? अरे डॉक्टर उल्लू का पट्टा है, आप खा खा कर मोटा हो गया और मुझे कहता है गोलियां ही खाते रहे। डॉक्टर जो भी खाए आपको यही खाना पड़ेगा, चुपचाप खा लीजिए। खा लीजिए चुपचाप, बेवकूफ हूँ मैं। मैं नहीं खाऊंगा, भूख हड़ताल करके मर जाऊंगा। दादाजी हमारे लिए आपका रहना बहुत जरूरी है। अरे चुप रे, ये तुम जो हड़प हड़प करके रोज खाते हो, अगर मुझे खाने को मिले तो मैं 500 बरस तक नहीं मरूं, मगर अब मैं जीऊँ तो क्यों और किसके लिए? अरे दादाजी हमारे लिए ना। नो प्लीज दादाजी, नो 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 नो। अगर आपका काम हो जाए तो फिर यस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे ये बच्चों को किस बात का थैंक यू हो रहा है? सब कुछ ठीक ठाक है ना? हाँ बहू ठीक बोल रहा, ठाक ही है। मम्मी नमक नहीं है। उफ़ो ये जोसेफ को कभी कुछ याद नहीं रहता। जोसेफ जल्दी जल्दी खाइए मम्मी, आ रही है। सीमा अरे बाबूजी कहाँ चले गए? बाबूजी आप वहाँ क्या कर रहे हैं? बहू वो नीचे वो ठीक ठाक गिर गया था, मैं चम्मच गिर गया था, ढूंढ रहा हूँ कहाँ है। नमस्ते। आओ आओ मोहन बेटा। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते मोहन अंकल। कल्ला साहब मैं आपसे एक बात करना चाहता था, और वो ये है कि कल रात हमने 50 लाख रुपए का माल पकड़ा है, और इसलिए मैं आपसे जानना। अरे भाई सुनो सुनो, ये बच्चों के सामने डाकुओं की बात क्यों कर रहे हो? इधर आओ मेरे साथ आओ। इधर इन्हें कहाँ ले जा रहे हैं? खाना तो खा लेने। अरे खाना खा कर ही जाएगा, ऐसे कभी गया है यहाँ से? अंकल मैं आपसे ये कह रहा था कि। अरे बाबा पहले मेरी बात तो सुनो, ये डॉक्टर लोग भी अजीब हैं। अगर किसी को डायबिटीज हुई हो तो कहते हैं खाना मत खाओ, अगर किसी को हार्ट ट्रबल हो रहा है जरा सी तो कहते हैं सिगरेट मत पियो। अब तुम ही बताओ कि सिगरेट भी भला कोई ऐसी चीज है? ये तो धुआं होता है, धुआं। बाबूजी अरे बेटे मैं इसको मना कर रहा था कि सिगरेट मत पियो, इससे हार्ट ट्रबल हो जाती है। रामू काका ये सब आलू खुले पड़े हैं, इनकी चटनी करवा दीजिए शहर भेजने। जी हाँ अभी करा देता हूँ। मेरा नाम जॉनी है, क्या काम है? डू यू नो हु आई एम? अरे जाना मुझे, मैं मेरी की मदर हूँ, मिसेस ब्रेकेंसा। मेरी
मेरी कौन? ओह जीसस क्राइस्ट, अभी मेरी का नाम भी भूल गया। ओह सना, तूने उसे शादी के सपने दिखाए, फिर अपना मतलब निकाल कर उसे कचरे के डब्बे में फेंक दिया। ए बुढ़िया, क्या उल्टी सी बातें करती है? उल्टी सीधी बातें, उल्टी बातें तूने मेरी मैरी से किया। अब सीधी बातें मैं करूंगी, मैं करूंगी। ओह क्या मसल, क्या बॉडी, एंड आल्सो नरगी सी आंखें, एंड रोजी रोजी लिप्स। ओह ये ऊंचा लंबा कद, अब समझ में आया मेरी मैरी पागल की हो गई। हाय तुम्हें छूते ही मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जवान होती जा रही हूँ और जवान होती जा रही हूँ। सफेद बाल तो देख, बालों की सफेदी पर मत जाना जॉनी, मेरी दिल की जवानी पर जाओ। दुनिया को कुछ नहीं मालूम, हाँ इश्क करना है तो मुझे से बुढ़िया से। 50 years experience, 50 साल की तजुर्बा है मुझे इश्क करने का। ओ जॉनी, बुढ़िया क्या कर रही, बुढ़िया अरे बुढ़िया क्या कर रही, बुढ़िया अरे बुढ़िया जॉनी छोड़ी मार्गन, तुम? हाँ मैं। पता नहीं मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं। वही जो एक आशिक अपने माशूक के साथ करता है। ए आशिक, एक दफा गले लग जाना। गले? दादाजी। जानी बेटा। जी दादाजी। ये क्या हो रहा है? जी वो कुछ। अरे ये कौन है? जी ये मैं एक अनफॉर्चुनेट ओल्ड लेडी हूँ, दुखिया। मेरा एक बेटा था, वो गॉड को प्यारा हो गया। उसकी शक्ल बिल्कुल जॉनी जैसी थी। वो मुझे मामी मामी बुलाकर मेरे गले लगता था और पप्पी भी लेता था। मैंने जॉनी से कहा गले लग जा और एक पप्पी ले ले, लेकिन उसने कुछ उल्टा सीधा ही समझ लिया। अरे ये कैसा उल्टा समझा तूने भाई, ये बुढ़िया तुम्हारी माँ जैसी है। हाँ चलो चलो गले लगो, गले लगो, चलो गले लगो, चलो चलो गले लगो और मत पी लो। अरे क्यों जानी देगा, ये पुण्य का काम है। ए बुढ़िया तुम जब भी चाहो इसके गले लग सकती हो और इसकी पप्पी ले सकती हो। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं चलती हूँ दादाजी। इन बूढ़ी औरतों का दिमाग कुछ गड़बड़ वाला होता है। ए तुम सबकी छुट्टी करो, चल के खाना खाओ। चलो जी दादाजी, चलो चलो। अरे जानी बेटे, तेरी चाची ने मूली के पराठे भेजे हैं, आ खा ले। अरे चाचा मेरा तो खाना खेतों में है, मैं वहीं जा रहा हूँ खाना खाने। जानी देखो मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आई हूँ। छोटी मालकिन, ये आपने नया ड्रामा क्या शुरू कर दिया? ड्रामा? अरे तुम्हारे लिए मैं कोई भी ड्रामा कर सकती हूँ। तुम कहो तो लैला बन सकती हूँ, शेरी बन सकती हूँ, जूनियर बन सकती हूँ, राधा बन सकती हूँ, सीता बन सकती हूँ। तुम्हें जो भी रूप पसंद हो मैं वही करने को तैयार हूँ। छोटी मालकिन, आप जो भी रूप में आए ये जॉनी आपका नौकर ही रहेगा। अरे अरे छी छी छी, ऐसी बातें मत करना। सिर्फ एक बार दिल दे दे फिर देखना, सारी दुनिया के आशिकों की पुष्टि कर दूंगी मैं। सिर्फ तुम होगे जॉनी और मैं सीमा तुम जॉनी। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही? अरे मेरे दिल से। नहीं छोटी मालकिन, ये बेचारा जानवर कहाँ फंस गया है, मैं चलता हूँ। जॉनी जॉनी, अरे सुनो तो सही, कहाँ जा रहे हो? आपके बच्चे को बचाने जा रहा हूँ, उसे तकलीफ तो नहीं दे रहा?
अरे आप मेरी भाषा नहीं समझ रही। ठीक है, पहले मैं आपको समझाता हूँ, फिर आपके बच्चे को भेजाता हूँ। मालकिन पहले इसे अपनी माँ के पास जाने दो। अब देखा ना आपने, मैंने आपके बच्चे को कोई तकलीफ तो नहीं दी, बल्कि उसकी जान बचाई। आप भी मुझे आजाद कर दीजिए, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। जॉनी जॉनी देख, घोड़ा पीछे पीछे आ रहा है। अरे वाह, बड़े प्यार से आप मेरे पीछे आ रही। समझा, आप मुझसे दोस्ती करना चाहती हैं, क्योंकि मैंने आपके बच्चे की जान बचाई है। मुझे दोस्ती कबूल है, जिंदगी भर के लिए। जॉनी, तूने इसकी जान बचाई है, मतलब जिंदगी भर के लिए दोस्ती? हाँ? आइडिया। क्या मतलब? कुछ नहीं जॉनी, तू यहीं है, मैं अभी आती हूँ। जॉनी मालकिन। जॉनी, मेरे प्रीतम, मैं कूदने जा रही हूँ, मुझे बचाकर जिंदगी भर के लिए अपना बना लो। जॉनी मालकिन, जॉनी मालकिन। कमर टूट गया सचमुच। छोटी मालकिन, जॉनी मुझे बचा लो, जॉनी टांग टूट गई, मैं क्या करूँ? छोटी मालकिन, मैं आपको बचाने नहीं आया हूँ, बल्कि ये कहने आया हूँ कि आप शाम तक यहीं रहेंगी। मतलब? यहाँ शाम तक रहेंगी, मैं अपना काम कर सकूंगा, आप मुझे तंग नहीं करेंगी, शाम को आके मैं आपको ले जाऊंगा। क्या क्या तू मजाक कर रहा है? छोटी मालकिन, मैं मजाक नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, शाम को मिलता हूँ, बाय। जॉनी, क्या तुम मुझे सब कुछ छोड़ के जाओगे? अरे भाग गया साला, अब मैं क्या करूँगी? हाय, कौन को बचाओ? अब मैं कैसे चढ़ूँगी? जॉनी, मैं क्या करूँ? बचाओ, बचाओ! अरे, लगता है कोई लड़की फंस गई है। इसको तो बचाना चाहिए। अरे किधर जाता है, किधर जाता है? अरे देखते नहीं, लड़की फंस गई उसे बचाना चाहिए। लड़की फंस गई उसको बचाना चाहिए? तुम शादीशुदा है?
है? तो तुम अपने घर जाके अपनी औरत को बचाओ। बाहर का औरत को हमको बचाने तो हमारा शादी नहीं हुआ, कभी हमारा काम हो जाएगा। अरे आता है तिला तक आई को है। थैंक गॉड। अरे ये तो छोकरी है। थैंक गॉड, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। तेरे बारे में सुना है तू लोगों को सब पर फाड़ कर देता है, लेकिन हमको तो जमीन फाड़ कर खड्डे में छोकरी दिया है। कोई बात नहीं, हमको चलेगा। अरे वाह गॉड, तेरा कमाल है, हमारा नाम भी इसको बता दिया, हमारा इतना काम कमती कर दिया, अच्छा किया। हम तेरे को खड्डे में से निकालेगा, शादी बनाएगा, गोवा ले जाएगा और पंजिम ले जाके तेरे साथ हनीमून करेगा और दो बच्चा पैदा करेगा, दो बच्चा। अरे चिल्लाता काय को है, मांगता है, ज्यादा कोशिश करेगा, ज्यादा बच्चा होगा। हमारे बाप को 8 बच्चा था, 3 बार से खेलने को आता था। अरे जोसेफ के बच्चे मैं छोटी मालकिन हूँ, छोटी मालकिन। मालकिन? हाँ हाँ, मैं खड्डे में गिर गई, निकाल मेरे को। नहीं, हम आपको बाहर नहीं निकालेगा, हम बाहर निकालेगा आप हमको मारेगा। इडियट, आप हमको कुछ बोला? जोसेफ मुझे बाहर निकालो ना। बाहर निकालेगा आप हमको मारेगा? नहीं, मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकालूंगी। नहीं निकालेगा? लेकिन ये किसी को बोलेगा नहीं, मुझे बाहर निकालो ना। निकालता है, लेकिन इतना बड़ा खड्डा कभी पहले देखा नहीं। बाप रे, बहुत बड़ा खड्डा है। आओ, मर गया, मर गया। साला शादी करने आया था? हा? नहीं नहीं नहीं, हनीमून मनाने आया था? हा? नहीं नहीं नहीं, गधे का बच्चा, अब जा खड्डे में। जॉनी का बच्चा साला। ए सूरज इधर आ, देख अपने बेटे जानी को। बुजुर्गों ने ठीक कहा है कि प्यार में बड़ी ताकत होती है। जब से जानी ने इस घोड़ी के बच्चे को बचाया है, दोनों आपस में कितने दोस्त हो गए हैं। हालांकि जानी इसका मालिक है, मगर फिर भी मेरे पास आया है इजाजत लेने के लिए कि मैं इसको रख लूं। मैंने कहा रख लो, हाँ आशीर्वाद दे दिया। ए सूरज, क्या बात है, क्या बात है? कुछ नहीं मालिक, जब जब मैं जॉनी को कोई अच्छा काम करता हुआ देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बोझ था, बोझ जो धीरे धीरे हल्का होता जा रहा है। कभी कैसी बातें करता है? अरे भाई कैसा बोझ, बोल। मालिक वो जिम्मेदारी का बोझ, मालिक हर बाप की ख्वाहिश होती है कि उसका बेटा लायक निकले। देखो सूरज, जानी लायक बाप का लायक बेटा है। सूरज तुम आज ही शहर चले जाओ। अरे हाँ हाँ शहर, वहाँ जाकर जॉनी के घोड़े के लिए बहुत खूबसूरत सामान खरीद कर लाओ। मालिक जिसका घोड़ा है उसे जाने दीजिए ना, मुझे बहुत काम है। ए सूरज, 20 साल हो गए तुम इन पहाड़ियों से कभी बाहर नहीं निकले, मालूम नहीं तुम्हें शहर से नफरत क्यों है? ऐसी बात नहीं मालिक, बात दरअसल ये है कि जो स्वर्ग आपने मुझे दिया है उसे छोड़कर मुझे जाने का कहीं मन नहीं करता। कभी कभी तुम्हारी अच्छाई देखकर मुझे शक होने लगता है सूरज। शक? कैसे शक मालिक? पकड़े गए ना। अरे भाई शक इस बात का कि शायद जिंदगी में कभी भी तुम्हारी मुलाकात बुराई से नहीं हुई। जालिम सिंह कभी इस भेष में तो कभी इस भेष में और कभी इस भेष में, न जाने कंबख्त कितने भेष बदलता फिरता है। और अब सुना है कि वो इस इलाके में आ गया है, पीछा किया गया तो गायब हो गया, लेकिन मैं उसे यहाँ कुछ नहीं करने दूंगा। अरे जॉनी भैया। हाँ भाभी। अरे बदमाश, तू ऊपर चढ़ गया फिर? तू नहीं सुधरेगा, चल उतर नीचे। चलो बेटा उतर, दुकान आ गया, चलो। अच्छा बेटा वो लिस्ट निकाल, चलो किशन यार तेरा सामान पैक करवा दे। ये गधे का बच्चा तुम्हारा है? कोई बात नहीं हीरा, ये तुम्हें जल्दी पहचान लेगा। माफ करना माँ, इस संदेह को रोशनी दिखानी पड़ेगी। हाँ तो क्या नजर आया आपको?
तो ये क्या नजर आ रहा है आपको? अब क्या नजर आ रहा है आपको? गदा 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 गदा। अब तुम्हें ये क्या नजर आया? नहीं हिला। क्यों बे? अब तो तुझे गधे का बच्चा दिखता होगा। ए जॉनी, उठ। हिम्मत हार गया क्या? मैं आऊं? अब तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? हाँ? घोड़े। घोड़े? क्या कहा? घोड़ा। भाभी मुझे टॉवल दीजिए। हाँ हाँ तू करेगा, तेरे में इतनी अकल होती तो तुम्हारा पीटी करता? हाँ लड़ता रहता है बस। टेलीफोन उठा लूँ? हाँ हाँ उठा ले। हेलो। हेलो छोटी मालकिन। हाँ कभी प्यार से सीमा बुला लिया करो। देखिए छोटी मालकिन, मैं यहाँ सामान लेने आया हूँ और उसके बाद मैं घर आऊंगा। आपको और कुछ मंगाना है? हाँ हाँ क्यों नहीं, वो एक लाल चुनरिया और फिर माथे की बिंदिया। किसका फोन है जॉनी? हाँ ये लड़की कौन है? कौन है ये लड़की बता ना। अरे बता ना जॉनी, तू किसको किस कर रहा है? अरे जॉनी बोलो ना। नहीं जॉनी किसको किस कर रहा है बोलो ना। नहीं नहीं बोलो ना। क्या है जॉनी? मदद भाभी मदद। क्या मदद भाभी? देखिए नहीं छोटी मालकिन है ना मेरे पीछे पड़ी है भाभी, तो इससे मुझे पीछे छोड़वाना है भाभी प्लीज। तो मैं क्या करूं भाभी? थोड़ी देर के लिए मेरी प्रेमिका बन जाओ भाभी। आप तो मेरी भाभी हैं, एक्टिंग भाभी एक्टिंग भाभी प्लीज प्लीज। हाँ हाँ छोटी मालकिन वो मैं सामान मैं पैक। जॉनी डार्लिंग ये हम दोनों के बीच में चुड़ैल कौन है? चुड़ैल? छोटी मालकिन ये मुझसे प्यार करती है। Oh yes. हे भगवान पता नहीं लड़कियों को क्या। मेरा पीछा छूट गया भाभी। You're great भाभी।
बात करनी नहीं आती क्या? सिर टांगे किसके तोड़ेगा? पहले मेरा हरजाना भरो। हाँ भाई साहब, मैं हरजाना दे दूंगी। अरे ये तो कोई इश्क का चक्कर है। देखो वो क्या कह रहा है। आगे पीछे रह गया मैं, देखो वो निकल गई आगे। ओए तौबा, ये लड़की तो हिरनी जैसी भागे, पीछे रह गया मैं, देखो वो निकल गई आगे। जाने अनजाने हैं ये रास्ते, पीछा करते हो जाएगी तो तैनू मैं कितने लौड़ांगा। तेरे घर से तेरी डोली, अरे तू बोली आज अभी, अब पहले क्यों नहीं बोली,
अब तक मैं ले जाता तेरे घर से तेरी डोली, यानी तू है रानी मैं हूँ राजा, तो फिर राजा तेरी खैर नहीं तेरा पीछा मैं ना छड़ांगा। आशीर्वाद माँ, हमारा साथ कभी ना छूटे। मुझे आशीर्वाद दो माँ कि मैं सीमा के साथ हर पल रहूं। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? जॉनी, जॉनी तो वही खड्डा है ना जहाँ तुम मुझे छोड़कर चले गए थे। हाँ। अब तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे ना? ए, उस वक्त तो कुछ और ही बात थी जॉनी। अरे तुम्हारी पैर पर तो चोट लगी है। चलो नजदीक में एक चर्च है, मैं तुम्हें वहां तक उठा के ले चलता हूँ। उठा के? हाँ। कौन हो तुम लोग? प्यार करने वाले। जीप का एक्सीडेंट हो गया था जानी, इन्हें चोट लगी है। तब तो ईश्वर ने तुम्हें सही जगह भेज दिया है बेटा। अंदर आओ, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेके आता हूँ। आज रात देवी मैया के मंदिर में आओगे ना? क्यों? जानते हो ये रात साल में सिर्फ एक बार आती है, जब प्रेम करने वाले देवी मैया से एक दूसरे के लिए दुआ मांगते हैं। वादा करो जॉनी, तुम जरूर आओगे? हाँ सीमा, जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा। अगर जॉनी तुम्हारे साथ नहीं होता तो ना जाने क्या हो जाता। कितनी बार कहा है गाड़ी तेज मत चलाया करो, फिर भी तूफान की तरह चलाती रहती है। आइंदा अगर गाड़ी को हाथ लगा तो हाथ तोड़ दूंगी, समझी? जरा सा कुछ कह दिया तो रो पड़ी। क्या बात है बहू, सुबह सुबह क्यों रुला दिया उसको? बाबूजी सीमा अब रोए तो ही अच्छा है, नहीं तो जहाँ जाएगी वो कोसेंगे। अरे जब जाएगी तब की बात है ना। उसका इंतजाम मैंने कर लिया। क्या किया है? गिरधारी लाल जी याद है आपको? अरे बहुत अच्छे तरह, सीमा के स्वर्गवासी पिता के बहुत अच्छे दोस्त थे। उनका बेटा लंदन से आ रहा है। अमर, उसको मैंने इतना तो देखा था, लेकिन अब तो बड़ा हो गया। हाँ, हो गया होगा। एक दिन बातों बातों में अमर की माँ से सीमा की बातचीत चली थी। अरे बेटी,
बहू अगर ये काम हो जाए तो बहुत अच्छा है, लोग अच्छे हैं, खानदान अच्छा है, देखे वाले हैं, बस ये काम कर ही डालो। तुम चिट्ठी लिखो। अरे जरूर लिखूंगा। पैरे पर जा रहे हो बेटे? हाँ बाबा। लगता है आज बहुत तेज तूफान आएगा। तुमने हवेली की खिड़की दरवाजे अच्छी तरह से बंद तो कर दिए ना? हाँ बाबा, खूब अच्छी तरह से, हवा का एक झोंका भी अंदर नहीं आ सकता। आ चुके बाबा। जॉनी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या बाबा? पहरेदारी एक बहुत जिम्मेदारी की चीज है, और जिम्मेदार सबसे कड़क पहरा अपने ऊपर लगा है। देखा, जरा सी खिड़की खुली रह गई और तूफान घर में घुस आया। जॉनी, जवानी की खिड़कियां और जज्बात के दरवाजे बहुत कमजोर होते हैं। पहरेदार की जरा सी आंख झपकी तो रुसवाई का तूफान सब कुछ उड़ा ले जाएगा। बेटे, फर्ज अक्सर मोहब्बत बनकर इम्तिहान लेने लगता है, और मैं तुम्हारे इस इम्तिहान में भी जीतना चाहता हूं। मैं समझा नहीं बाबा। जल्द मालिक के कोई खास मेहमान आ रहे हैं, बहुत बड़े लोग हैं वो। अगर छोटी मालकिन को लड़का पसंद आ गया तो शादी पक्की हो जाएगी। मालिक को ये बात पसंद है। रहेगी ना मुझे इस रूप में देखकर। जॉनी, जॉनी, इस तूफानी रात ने मुझे अचानक डरा दिया। मैं जाने मुझे ऐसा क्या लगा जैसे मेरा जॉनी मुझसे छीना जा रहा है। सीमा, तुम जॉनी, तुम यही कहोगे ना कि ये मेरा वहम है, लेकिन इस दो पल के वहम ने मुझे तुम्हारी दुल्हन बना दिया। सीमा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। वो तो तुम हजार बार कह चुके हो जॉनी, आज सिर्फ तुम्हारी सीमा बोलेगी। जॉनी, आज देवी माँ के सामने तुम्हारे तन को छूकर अपने मन के फेरे लूंगी। जॉनी, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकूंगी। जॉनी, मैं मर जाऊंगी। जॉनी, मैं नहीं। सीमा, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। आई लव यू सीमा, आई लव यू। जॉनी, तुम मेरे हो, हमेशा थे और हमेशा रहोगे। जॉनी, जो दुल्हन तुमने पसंद की, एक दिन उसे डोली में बिठा के ले जाना। बेटे, फर्ज अक्सर मोहब्बत बनकर इम्तिहान लेने लगता है, और मैं तुम्हारे इस इम्तिहान में भी जीतना चाहता हूं। नहीं! बाबा, बाबा, बाबू जी बचा लो 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 बाबा। तूफान मेरे दिल और दिमाग पर हावी होते जा रहा है। बाबू जी डर है बाबा, मुझे डर है कि तूफान मुझे तिनके की तरह बहा ना ले जाए। बाबू मुझे बचा लो बाबू, मुझे यहाँ से दूर ले चलो, इतनी दूर ले चलो बाबा कि तूफान की बाहें वहां तक ना पहुंच सके। बेटे, ये तूफान बाहर नहीं, तेरे मन में है। तू जहां भी जाएगा ये तूफान तेरे साथ जाएंगे। बेटे जॉनी, जमीन बदलने में जीत नहीं, अपने जज्बात बदल दो। दिल की दोस्ती छोड़कर मन का दामन थाम लो बेटे, मन का दामन थाम लो बेटे। प्यार प्रार्थना की तरह पवित्र होता है,
मूर्ति की पूजा करने का मतलब ये नहीं कि मूर्ति तुम्हारी है बेटा, बस सिर्फ पूजा से प्यार करो बेटे, सिर्फ पूजा से प्यार करो। माँ, तुम्हारे प्यार ने मुझे हमेशा सहारा दिया है। मैंने तुमसे सीमा मांगी, तुमने वो दुआ भी दे दी। आज मैं तुमसे एक आखिरी भीख मांगता हूँ माँ, मुझसे मेरी सीमा को दूर कर दो, दूर कर दो माँ। तुम तो पर्वतों को तराश कर बनाई गई हो, आज मुझे तराश कर एक पर्वत बना दो, एक पर्वत बना दो माँ। Oh,
जेंटलमैन, सरकार ने लोकल बैंक बंद कर दिया है और उस बैंक में करोड़ों के हीरे जवाहरात करेंसी नोट वगैरह हैं, जिसकी पूरी लिस्ट इस फाइल में है। आप लोग एक बार अच्छी तरह चेक कर लीजिएगा और वो सारी दौलत, सारा सामान हमारी हिफाजत में हमें बैंक से स्टेशन तक पहुंचाना है। चौकने रहिएगा, न जाने किस भेस में कब कहां जालिम सिंह मिल जाए। अंदर से बराबर बंद कीजिए। ओके सर। पे पहरा लगा दिया? यस सर। सालिम सिंह, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देखो, हमें पकड़ने के लिए पुलिस ने सारे शहर में जाल फैलाया हुआ है। मैं कुछ दिनों के लिए इस माल को शहर से बाहर चालाकी से चर्च में छुपा देता हूं। तुम सब लोग मुझ पर निगरानी रखना। सुनिए, आप लोग यहां से तो नजर नहीं आते। जी नहीं, ऐसे ही घूमने के लिए आए। क्या नाम है आपका? सोमनाथ। और आपका? बोलेना। यहाँ कहाँ ठहरे हैं आप? जी रामबाग। कितने दिन तक रहेंगे? 10-15 दिन। मैं शहर में किसी को जानते हैं? जी नहीं। ठीक है, आप पुलिस स्टेशन जाके जालंधर का पता नोट करवा दीजिएगा। अच्छा साहब। Thank you.
कमान Well done, my boy. Well done. मेरा प्यारा दोस्त सूरज सिंह, आज मेरे बेटे ने राक्षसों का नाश करना शुरू कर दिया है। बाबा, अपनी रामायण में ये भी लिख दीजिए कि मालिक ने मुझे इनाम में अपना सबसे बड़ा इनाम दे दिया। मैंने तो ये भी लिख दिया है कि आज मेरे बेटे ने अपनी जान पर खेलकर एक बच्चे की जान बचाई है। वो तो कुछ भी नहीं है बाबा, अपनी जान पर खेलकर किसी दूसरे की जान बचाने का जो सबक मेरी माँ ने दिया था मुझे, जो रास्ता उसने मुझे दिखाया है उस पे चलने की मेरी एक छोटी सी कोशिश है। बाबा, मुझे वो असली खुशी नहीं मिली जो मेरी तड़प को सुकून दे सके। जो आग मेरे दिल में जल रही है उसे बुझा सके। मेरी माँ का कातिल अब तक जिंदा है बाबा, और जिस दिन मेरा उससे टकराव हो गया वो दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, और तब आपकी रामायण पूरी हो जाएगी। नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, तू जरूर बताएगा, तेरा बाप भी बताएगा, बार बार लूट का माल खा चुका रखा है। बताएगा, जरूर बताएगा, सिर्फ लूट का माल ही नहीं बल्कि जिंदगी में तूने जो जो गुनाह किए हैं वो सब बताएगा। ये वो जगह है जालिम सिंह, जहां पर 30 मार खां भी पिघल जाते हैं, एक ना एक दिन तू भी पिघलेगा। मैं उस वक्त तक यहां तेरे कब्जे में रहूंगा, तब ना। अब सिर्फ डैडी हमें बता सकते हैं कि हम क्या करें। मुझे किसी ना किसी बहाने से उन तक खबर पहुंचानी है। ये हम क्या करें? मेरा बेटा, कर्नल साहब बाबू बहुत अच्छे दोस्त हैं। तुम किसी तरह कर्नल साहब के घर के अंदर घुसो और वहां रहकर शरद के हर नाके का पता लगाओ। समझे अनवर? कर्नल साहब की हवेली की बत्ती हमेशा के लिए गुल हो चुकी है। तुम बत्ती बनाने के बहाने वहां जाओगे, और जब तक हमें वहां अंदर जाने का रास्ता नहीं मिलता तब तक रोशनी तो नहीं आएगी। वेरी गुड। ना जाने ये अचानक बिजली क्यों फेल हो गई। जल्दी करो भाई, नहीं तो आज सारी रात ब्लैकआउट ही रहेगा। अभी ठीक कर देते हैं साहब। हेलो, जरा मीरा को बुला दीजिए, मैं शांता बोल रही हूँ।
रायगढ़ से। रायगढ़ से मालिक, बड़ी मालिकिन का रायगढ़ से ट्रंकाल है। ए बहू, रायगढ़ से ट्रंकाल है, जल्दी आओ। अभी आई बाबूजी। जल्दी आओ, जल्दी आओ। लाओ 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 लाओ। हेलो, ओ नमस्ते बहन जी, कैसी हैं आप? जी हाँ हाँ, बहू रानी आ रही हैं, आ रही हैं। आप ठीक है ना? जी हाँ, यहाँ सब ठीक है, ये बात कीजिए। हेलो, नमस्ते बहन जी, मैं मीरा बोल रही हूँ। हेलो मीरा, मैं अमर को भेज रही हूँ सीमा को देखने, साथ में शीला भी आ रही है। आप क्यों नहीं आ रही? तुम्हारे इलाके में सर्दी कुछ ज्यादा पड़ती है और मुझे गठिया की बीमारी है, इसलिए दोनों बहन भाई को भेज रही हूँ। अच्छा जी, ये अच्छा हुआ, वो आएंगे तो सीमा को देख लेंगे और सीमा लड़के को देख लेगी, है ना? भगवान करे कि काम हो जाए। की लाशों को ठिकाने लगा दो, जिसे दुनिया वालों को मालूम ना पड़ सके। और मेरी जान, अब हमारा नाटक शुरू होता है। हम कर्नल साहब की कोठी जाएंगे भाई बहन बनकर। जीते रहो बेटे, जीते रहो। अरे तुम इतने बड़े हो गए। अरे बेटे, ये मेरी बहू है मीरा। नमस्ते माँ जी। और ये मेरा ग्रैंड सन है। और ये है सीमा, मेरी ग्रैंड डॉटर। हेलो हेलो। और हाँ दादाजी, ये मेरी सिस्टर है शीला। प्रणाम दादाजी। जीते रहो जीते रहो जीते रहो। बहुत अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। तुम्हारा डैडी और सीमा के डैडी आपस में बहुत गहरे दोस्त थे। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये दोस्ती बच्चों में भी आ जाए। क्यों नहीं दादाजी, क्यों सीमा? Sure, why not? नमस्ते छोटी मालकिन। नमस्ते रज्जू बहन, कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप बहुत खुश नजर आ रही है छोटी मालकिन। अरे रज्जू बहन, जब तुम्हारी शादी तय होगी तो तुम भी बहुत खुश नजर आओगी। अरे छोटी मालकिन, शर्माती क्यों हो, बात ही खुशी की है। जोसेफ ने हमें सब कुछ बता दिया है। जोसेफ ने क्या बताया आपको? यही कि तुम्हारी शादी अमर बाबू से पक्की हो गई है और अमर बाबू ने भी तुम्हें पसंद कर लिया है। क्या? और छोटी मालकिन और दादाजी ने भी अमर बाबू को पसंद कर लिया है। मतलब है मुझे अमर साहब को वादियों में सैर कराने ले जाना है। आपको भी साथ चलना पड़ेगा छोटी मालकिन। छोटी मालकिन, इसका मतलब है तुम सब जानते थे? हाँ छोटी मालकिन, घर में अगर कोई खुशी हो तो नौकरों को तो पता चल ही जाता है ना। नहीं जॉनी, नहीं, मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। सीमा, मैंने तुम्हें प्यार किया जॉनी। सीमा, तुमने भी मुझे प्यार किया। सीमा कोई देख लेगा तो, सीमा कोई देख लेगा तो गजब हो जाएगा। भूल जाओ सीमा, मुझे भूल जाओ, मैं भूल गया हूँ सीमा, ये ख्वाब समझ कर सब भूल गया हूँ। डरपोक, धोखेबाज। हाँ मैं धोखेबाज हूँ, मैं डरपोक हूँ, भूल जाओ मुझे सीमा। सीमा नहीं, छोटी मालकिन। हाँ छोटी मालकिन। सीमा, ये मंदिर काफी पुराना लगता है। हाँ अमर, ये देवी माँ का मंदिर है, प्यार का मंदिर। यहाँ प्रेमी प्रेमिका अपने मिलन के लिए आशीर्वाद लेने आते हैं। क्यों, अब नहीं आते? नहीं, क्योंकि देवी माँ इस मंदिर से रुड़कर कहीं और चली गई। जब से एक प्रेमी ने अपने प्रेमिका को धोखा दिया, तब से देवी माँ की मूर्ति सिर्फ पत्थर रह गई। माँ कभी पत्थर की नहीं हो सकती। माँ अच्छी तरह से जानती है कि प्रेमिका ने जिसे धोखा समझा था वो प्रेमी की वफादारी थी। Keep quiet, तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं? जब हम लोग बात करें तुम बीच में क्यों बोलते हो? हाँ तो फिर सीमा, उन प्रेमियों का क्या हुआ? छोड़ो अमर, मूड खराब हो गया, चलो।
इडियट, हम लोग यहाँ बैठ के पिकनिक मनाएंगे बिल्कुल अपनी तरह। कितनी बेहोदा जगह चुनी है जी वो अमर साहब ने। अरे सीमा, मैंने तो जॉनी को कहा था सरहद की तरफ चलने के लिए। सोचा अपने मुल्क में रहकर दूसरे मुल्क को भी देखा जाए। चलो जॉनी, आगे चलो। जी अमर साहब, सरहद के आगे जाना अच्छा नहीं होगा। सीमा, तुम्ही ने तो कहा था कि कर्नल साहब का बहुत बड़ा दबदबा है यहाँ। सुना नहीं अमर साहब की बात, चलो आगे चलो। छोटी मालकिन, जिद ना कीजिए, दादाजी बहुत नाराज हो जाएंगे। कोई बात नहीं सीमा, हम अपना अड्डा यहीं जमा लेते हैं। मुंह क्या देख रहे हो, नीचे उतारो। इसके होते हुए मेरा काम नहीं बनेगा। हाथ नीचे रखो। सीमा, मौसम कितना सुहाना है, चलो गर्मा गर्म चाय पी जाए। क्यों, लाश लाना भूल गए होंगे? सीमा, हमारे नौकर कभी कोई चीज भूला नहीं करते। आपका नौकर याद रखने की नौकरी करता होगा, ये सिर्फ भूलने की नौकरी करता है। चलो कोई बात नहीं, वो सामने ढाबा है, वहां से चाय लेके आओ। जी। और सुनो, 3 कप चाय लेके आना। नहीं, सिर्फ 2। अमर, नौकर को ज्यादा मुंह नहीं लगाना चाहिए, सिर्फ 2। हाँ वो। सीमान, ओ सीमा, अरे तू क्या अंधेरे में बैठी है, अब तो हमारे घर में दिवाली आने वाली है। अमर ने हाँ कर दी है। रो रही है? अरे क्या हुआ बेटे, रो क्यों रही है, बताना मुझे क्यों रो रही है। दादाजी, आप कहते थे ना कि जब मैं हंसती हूँ तो फूल खिलते हैं, लेकिन दादाजी अगर ये रिश्ता हो गया तो आपके ये फूल कभी नहीं खिलेंगे। बेटे, ये क्या कह रही है तू? बेटे, तू तो मेरे कलेजे का टुकड़ा है। आप झूठ कहते हैं दादाजी, झूठ कहते हैं। अगर ऐसा होता तो आप अपने कलेजे में ये राज छुपा कर नहीं रखते कि अमर यहाँ अपनी दुल्हन पसंद करने आया है। अगर आपने कभी पूछा होता तो मैं बताती कि आपकी सीमा किसी और को प्यार करती है। हाँ दादाजी, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ जॉनी से। सीमा, होश की बात करो, हमारी दी हुई आजादी का गलत फायदा मत उठाओ। जॉनी हमारा नौकर है। तो फिर मुझे भी अपनी नौकरानी समझ लीजिए। अगर आप मुझे अपनी बेटी बनाकर नहीं रख सकती तो प्लीज मम्मी मुझे अपनी नौकरानी समझ लीजिए, मुझे अपनी नौकरानी समझ लीजिए। सीमा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। देखा बाबू जी, जॉनी ने जिस घर का नमक खाया उस। मम्मी, जॉनी को कुछ मत कहो। तुम नहीं जानती मम्मी, जॉनी की जुबान में तुम्हारे नमक के ताले लगे हैं। जॉनी की वफादारी ने तुम्हारी बेटी के प्यार को हमेशा के लिए बनवास दे दिया है। मम्मी, फर्ज के ये झूठे पहरे को उठा लो और अपने मुंह से कह दो, सच्चा प्यार नमक खाने से ज्यादा बड़ा होता है। प्लीज मम्मी। नहीं सीमा, मेरे जीते जी ये कभी नहीं होगा। ठीक है मम्मी, तो जो आप चाहती है वो भी मेरे जीते जी नहीं हो सकता। बहू, प्यार की कोई जात बिरादरी नहीं होती, प्यार खुद सबसे ऊंची जात का नाम है। बहू, सीमा के सुख को दुख मत दो। मैं तो सीमा के प्यार की गहराई नाप रही थी बाबूजी। उसका प्यार सच्चा है, जॉनी से हमेशा हमारा रिश्ता दिल का रहा, अब प्यार कभी हो जाएगा? बहू, मैंने जिंदगी में कभी किसी के पैर नहीं छुए, आज
तुम्हारे पैर छूने को जी चाहता है। छू लूं बेटे। छूने तो आपको पड़ेंगे, लेकिन मेरे नहीं, सीमा के। कन्यादान तो आप ही करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, मैं सुबह ही जाऊंगा और जानी के बच्चे को कान से पकड़कर। ये लो, और जॉनी को सीमा से अलग कर दो। अच्छा, तो ये काम है, जॉनी को सीमा की बाहों से निकालकर तुम्हारी बाहों में डालना है, राइट? हाँ, मुझे फिलहाल उस हवेली में शादी की चहल पहल नहीं चाहिए। मैं अपने गर्म सांसों से जॉनी को मदहोश करके तुम्हारी बाहों में डाल दूंगी। आगे का काम बनाना तुम्हारा काम है। ओके ओके, गुड लक। थैंक यू। मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? जी प्लीज, पता नहीं क्या हो गया, आप गाड़ी ठीक करना जानते हैं ना? मैं कोशिश करता हूँ। थैंक यू। क्या हो गया? कॉइल में तो कुछ गड़बड़ नहीं ना? हाँ जी, मैं देखता हूँ। हाँ, थैंक गॉड, मैं कितनी लकी हूँ कि इस जंगल में आप जैसा कोई मिल गया, वरना बहुत मुश्किल होती। आप कुछ उदास लग रहे हैं, क्या बात है? ऐसे लगता है जैसे आपकी कोई कीमती चीज खो गई है। जी, मेरा मतलब है। मैं समझ गई, लेकिन चढ़ती जवानी में अगर कोई सदमा ना मिले तो वो जवानी नहीं कहलाती। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जी जी, पहला प्यार हमेशा नाकामयाब होता है, तजुर्बा होने के बाद ही कामयाबी मिलती है। अरे आप तो पसीने पसीने हो रहे हैं, कुछ लाऊं शरबत? जी, नहीं। ठहरो, मैं लाती हूँ। ये लीजिए, पी लीजिए ना, यू विल फील बेटर, हैव इट। इसमें कुछ नशा तो नहीं? नशा इसमें नहीं, मुझ में है। Friends।
देवी तुम अमर की बहन नहीं हो, तुम अमर की बहन नहीं हो शीला देवी, और ये मैं बहुत जल्द पता कर लूंगा। सुन रही हूँ या? हाँ सच सुन रही हूँ शीला डार्लिंग। डार्लिंग? कल रात जो मुझसे गलती हो गई मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे भाग गया था ना। सच? हाँ। सो ब्यूटीफुल शीला डार्लिंग, सो ब्यूटीफुल। घुड़सवारी करोगी? प्यार करने के लिए किसी कोने में जाके बैठ जाते हैं। प्यार करने का तरीका मैं तुम्हें सिखाता हूँ शीला लाल। ओह माय स्वीट। जॉनी ये क्या कर रहा है? मान मर्यादा का कुछ ख्याल ही नहीं रखता। शीला लाल वो खाई देख रही हो? अगर मैं तुम्हें उसमें फेंक दूं तो? क्या? तो फिर बता तू कौन है? तू अमर की बहन नहीं हो सकती। बता तू कौन है? बता तुम ऐसे नहीं कर सकती। अमर की बहन नहीं हो सकती, कौन है? बता नहीं। बता तू कौन है? बता बता तुम कौन हो? तुम अमर की बहन नहीं हो सकती, कौन है तू? तुम जरूर बताओगी? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पता तू अमर की बहन नहीं हो सकती। जॉनी क्या कर रही है? छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो जॉनी, इसे लूट रहा है। छोड़ दो मुझे, ये कह रहा हूँ, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, बाबा, बाबा मिश्र विश्वास कर, बाबा, बाबा ये अमर की बहन नहीं है, बाबा। क्या बकता है? मैं सच कह रहा हूँ बाबा, ये मैं सच कह रहा हूँ, अमर की बहन नहीं है बाबा। बाबा मेरे विश्वास कर बाबा, बाबा कभी नहीं, बाबा ये अमर की बहन नहीं है बाबा। तू मेरा जानी नहीं बाबा, तू मेरा जानी नहीं, कभी नहीं। मेरे विश्वास कर बाबा, तू मेरा जानी नहीं है, तू मेरा जानी नहीं हो सकता। विश्वास कर बाबा, ये अमर की बहन नहीं है बाबा। तू मेरा जानी नहीं हो सकता बाबा, तेरा जानी ऐसा नहीं है बाबा, तेरा जानी ऐसा नहीं कर सकता बाबा। चले जा, चले जा यहाँ से। मुझे कभी कभी अपने गंदा चेहरा बंद करा। Get out! बाबा मेरा विश्वास करो बाबा, दादाजी, दादाजी मेरा विश्वास करो बाबा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब बाबा से कहिए ना, बाबा से कहिए ना दादाजी, बाजी बाजी अब मेरा विश्वास कीजिए ना, बाजी मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब बाबा से कहे ना, बाबा से कहे ना।
सीमा, सीमा तुझे पता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुझे पता है। ठीक है, मैंने किया, मैं कसूरवार हूँ, मुझे पता है, मैंने किया है, मैं चला जाऊँगा, मैं क्या कभी नहीं आऊँगा, मैं तुम लोग के पास कभी नहीं आऊँगा, मैं चला जाऊँगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जाऊँगा। बाबूजी, आपको क्या लगता है? नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है। मालिक, छोटा मुंह बड़ी बात, आप लोगों ने हम नौकरों को इतना प्यार दिया है कि हमको कभी ऐसा नहीं लगा कि हम इस घर में नौकर है। लेकिन आज जोनी के साथ जो कुछ किया, अच्छा नहीं किया। आपने जोनी के साथ गुस्सा में अन्याय किया। लेकिन जोसेफ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ठीक है मालिक, लेकिन कभी कभी अपनी आंखों से देखा वो सोच भी झूठ हो सकता है। अपना जोनी ऐसा नहीं है, अपना जोनी ऐसा नहीं है। मालिक, हमारे गॉड भी ये बात नहीं मान सकता। हमारे गॉड भी जानी, खाना खा ले। भाभी, मुझे तंग मत करो भाभी, मुझे अकेला छोड़ दो भाभी। पर सुबह से कुछ नहीं खाया। भाभी, तुम चाहती हो कि मैं यहाँ रहूं या यहाँ से चला जाऊं? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। मुझे अकेला छोड़ दो भाभी, मुझे अकेला छोड़ दो। चलो। अकेली आई हो या पुलिस साथ लेकर आई हो? मुझ जैसे जानवर के पास अकेले आते हुए डर नहीं लगा? सुबह से भूखे प्यासे हो, खाना खा लो जॉनी। अपने नौकर की नौकरी करना आपको शोभा नहीं देता छोटी मालकिन। जॉनी, नौकर तो मैं खुद तुम्हारे प्यार की हूँ। प्यार? तो उस वक्त कहाँ चला गया था तुम्हारा प्यार, जब इतने बड़े इल्जाम के सामने मैं अकेला तना खड़ा हुआ था? सब मेरे अपने मुझे बेगाना कर रहे थे, और तुम प्यार की बात? चली जाओ ऐसे। नहीं जॉनी, नहीं प्लीज जॉनी, चली जाओ ऐसे। समझने की कोशिश करो। मैं कुछ नहीं समझना चाहता। नहीं जॉनी, मैं नहीं जाऊंगी। मैं कहता हूँ चली जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। सीमा, जॉनी, नहीं, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। सीमा, मुझे और मार लो। मैंने तुम पर शक किया था ना, उसकी सजा तो मुझे मिलनी ही चाहिए। मुझे जो भी सजा दे दीजिए, लेकिन मुझे अपने से दूर मत करना, मुझे अपने से दूर मत करना। मुझे माफ कर दो सीमा। मोहब्बत कभी माफी नहीं मांगती। देखो जॉनी, तुम्हारी आंखों में आंसू कितने पवित्र हैं, जैसे किसी मंदिर में भगवान की प्रतिमा हो। जॉनी, भगवान हमेशा निर्दोष होते हैं। सीमा, जॉनी, बाबा मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? मेरा विश्वास क्यों नहीं करते सीमा? सूरज, मैं जानता हूं कि तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम्हारा जानी ऐसा हरगिज नहीं कर सकता, फिर भी तुमने उसे कुछ नहीं कहा, इसलिए कि अगर जानी बेकसूर साबित हो गया तो मेहमान कसूरवार साबित हो जाए। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, इतनी वफादारी मत दिखाओ जिससे कि तुम्हारा मालिक अपने आप को छोटा समझने लगे। देखो, तुम मेरे नौकर नहीं हो, मेरे भाई हो। हाँ, भाई भाई का नौकर नहीं होता, बल्कि भाई की मदद करता है। मालिक, 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 मालिक,
अपने हंसू पूछ डालो, अपने हंसू पूछ डालो। सूरज, मुझे भी उन लोगों पर विश्वास नहीं। तुम अभी रायगढ़ जाओ और जाकर उन लोगों की असलियत का पता करो। मैं कहता हूँ जाओ जाओ और जाकर देखो कि वो हैं क्या। सब काट दिए। अगर किसी ने किसी तरह की कोई भी चालाकी की तो भून के रख देंगे। अमर, तुम? अमर नहीं, शक्ति, जालिम सिंह का बेटा। ओ, जालिम सिंह जिसको मैं पहले जेल भिजवा चुका हूँ, अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कर्नल साहब, मैंने इसकी गोलियां निकाल ली हैं। जी हाँ, गोलियां निकाल दी गई हैं और अब अपने वफादार सूरज को देखिए। हरामजादे कुत्ते कमीने नमक हराम नहीं। बाबूजी को छोड़ दो, क्या चाहिए तुम्हें? रुपया, पैसा, जेवर, जो कुछ हमारे पास है सब कुछ ले जाओ, लेकिन बाबूजी को छोड़ दो, बाबूजी को छोड़ दो, छोड़ दो बाबूजी को। अगर इन सबको जिंदा देखना चाहते हो तो जो मैं कहता हूँ वही करोगे। मुझे अपने बाप जालिम सिंह को जेल से छुड़वाना है। हाँ, जेल से छुड़वाना है। और तुम्हारी यहां सब इज्जत करते हैं। प्लान मेरा होगा, शराफत तुम्हारी होगी, काम चुटकियों में हो जाएगा। नहीं, मैं ये काम हरगिज नहीं करूंगा, मैं ये काम हरगिज नहीं करूंगा। अब मेरे आदमी इन्हें कमरे में ले जाएंगे। ये बेहोश है, इन्हें नहीं मालूम कि मेरे आदमी इनके साथ क्या करेंगे। नहीं नहीं, छोड़ दो इनको, मेरे घर की इज्जत को आप ना लगाओ, मेरे घर की इज्जत को छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान के लिए, तुम जो कहोगे मैं करूंगा, तुम जो कहोगे मैं करूंगा। इनको छोड़ दो, छोड़ दो इनको। कर्नल, ये रहा टाइम बॉम्ब, अब से ठीक 10 मिनट बाद ये फट जाएगा। तुम सिक्योरिटी वालों को झांसा देकर ये बॉम्ब वहीं रखोगे जहां जेल की दीवार खत्म होती है, और मेरे पिताजी को सही सलामत वापस लाओगे। हम दूर से तुम पर निगरानी रखेंगे, और कर्नल, अगर ये बात इसमें कुछ भी गलती हुई तो तुम्हारे सारे खानदान को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। चल यहां से भाग। जाने दो साहब, अगले रास्ते से जाऊंगा तो 50 किलोमीटर का फर्क। 50 किलोमीटर के बच्चे, बोलाना 6 बजे के बाद रास्ता बंद होता है। चल भाग यहां से। चंगा साहब। चल भाग यहां से। यस सर। मुझे मालूम है कि ये 6 बजे बंद हो जाता है रास्ता, मगर मुझे जरूरी काम है। कहो तो मोहन बाबू को टेलीफोन कर दो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं साहब, आइए। हेलो सर, Thank you.
मार डाल दो। जालिम सिंह बच के निकले ना पाए। जल्दी करो। हाँ यार। जालिम सिंह, इसके बाद हमें शांति से रहने देना। कसम खाओ। कर्नल साहब, मैं शंकर भगवान की कसम खाता हूँ कि इसके बाद मैं आपको हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। बस आप यहाँ से निकल चलिए, वक्त बहुत कम है। फौरन। दादाजी, 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 हेल्प। जालिम सिंह, अपनी मौत का नाम पहचान गए? मैं तो समझा था तुम अपनी मौत से पहले ही मर गए होगे। सूरज, मैं तुम्हें इतनी आसानी से ठंडा नहीं होने दूंगा। धीरे धीरे तड़पा तड़पा कर तुम्हें डुबोऊंगा। जो मौत दूसरों को बिना मांगे आती है, वो एक कंजूस की तरह तुमसे आंखें चुरा कर चली जाएगी। नहीं नहीं जालिम सिंह, तुमने वादा किया था कि अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो तुम हम सबको सुख और शांति में छोड़कर चले जाओगे। तुमने भगवान शंकर की कसम भी खाई थी। तो अब मैं महादेव बाबा की कसम खाकर कहता हूं कि ये घर छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। कर्नल साहब, आप बहुत काम के आदमी हैं और मुझे आपकी बहुत जरूरत है। और कलयुग के वाल्मीकि, सुना है तुम कोई रामायण लिख रहे हो? मैं भी उस पर अपने दस्तखत कर देता हूं। रावण के हस्ताक्षर के बिना कोई रामायण पूरी नहीं होती। तुम्हारे हस्ताक्षर तो अब जेल खाने के रजिस्टर में होंगे। अपने आदमियों से कहो बंदूकें फेंक दे। बंदूकें फेंकवाने से पहले कुछ देखना चाहोगे? देखो। बेटा जॉनी, अपने बाप की पुरानी जिंदगी का भूत देखकर चौंक गए? 20 साल पहले की इस अखबार ने वो खबर आज फिर ताजा कर दी है। अच्छी तरह से पढ़ लो अपने बाप की जन्म पत्री। इसमें साफ साफ लिखा है कि तुम्हें जन्म देने वाली मां का कातिल यही है। मेरी मां का कातिल? हां, तुम्हारी मां का कातिल यही है वो देवता जिसे तुम जिंदगी भर बाप समझकर पूछते रहे। ये नहीं हो सकता बाबा, ऐसे नहीं हो सकते। ऐसा ही है, पूछ लो इससे। बाबा, क्या क्या सच है बाबा? ये झूठ है जानी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसे देवता पर शक करना तो क्या, सवाल करना भी पाप है। अपने मुंह से कहो बाबा, मैं इस सवाल का जवाब आपके मुंह से चाहता हूं बाबा। 20 साल पहले जो जिंदगी मैंने जी थी, उसने तेरी मां की जान ले ली बेटे। वो मोहन साहब आ रहे। कर्नल, पुलिस को शक न होने पाए कि घर मेरे कब्जे में है। सब कान खोलकर सुन लो, अगर किसी ने किसी तरह की भी चालाकी करने की कोशिश की या किसी के चेहरे पर भी इस घर के मौजूदा हालात दिखाई दिए, तो ख्याल रखना मेरे आदमी हर कोने में छिपे हैं। आओ आओ मोहन बेटा, जीते रहो। इतनी रात गए, कैसे आना हुआ? कर्नल साहब, एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। हादसा? जी हाँ, आपको याद है कि जेल में एक पुराना पापी जालिम सिंह था। कौन जालिम सिंह? वो जिसे अपने जॉनी ने गिरफ्तार करवाया था। वो जालिम सिंह। कर्नल साहब, बात ऐसी है कि जालिम सिंह को गिरफ्तार करवा के जॉनी ने एक बहुत बड़ी दुश्मनी मोल ले ली है। जॉनी को कुछ होगा तो नहीं ना?
इसी बात का तो डर है मुझे। जालिम सिंह एक बहुत ही खतरनाक इंसान है और जेल से भागने के बाद कहीं वो जॉनी से बदला लेने की कोशिश न करे। कर्नल साहब, माफ कीजिएगा, एक बात पूछनी है आपसे। पूछो। जेल में धमाका होने से पहले, उससे पहले सिर्फ आप मिले थे मुझसे। तुम्हारा मतलब ये तो नहीं कि वो धमाका मैंने किया था या मेरी वजह से हुआ है? नहीं नहीं कर्नल साहब, ऐसी क्या बात कर रहे हैं आप? पुलिस डिपार्टमेंट में आपकी बहुत इज्जत है, इतनी इज्जत है कि लोग यहाँ तक कहते हैं जहाँ कर्नल साहब की कोठी है वहाँ पुलिस थाने की कोई जरूरत नहीं। पैसे मैं तो आपसे यही मिलने चला आया था। कर्नल साहब को किसी में शक तो नहीं? शक नहीं बेटे, मुझे कोई शक होगा किसी पर? कर्नल साहब ये क्या क्या है बेटे, क्या है? ये आपकी बंदूकें कहाँ चली गई? दादाजी, ओ दादाजी। चलो बेटे। मोहन चाचा अच्छे वो मिल गए। क्यों, क्या हुआ, क्या बात है? फिर भगा दिया ना आपने उस डाकू को? सालिम सिंह को? हाँ, और कौन? क्यों? मैं जंगल से जा रहा था, मुझे कुछ गड़बड़ लगी, जाके देखा तो साला 10-15 लोगों के साथ चल रहा था। मैं कूद पड़ा, एक फाइट लगाई, एक किक लगाई, एक फाइट लगाई। चाचा चाचा, वो अंधेरा था ना, साला भाग गया, नहीं तो फिर पकड़ के ले आता मैं आपके सामने। बेटे, किस तरफ गया है वो? चाचा वो टीटमगढ़ है ना, सर पे रास्ता जाता है, उस तरफ गया साला। इसका मतलब वो भाग गया साला। चाचा बॉर्डर क्रॉस करने की सोच रहा है। चाचा नहीं तो फिर पकड़ के ले आता मैं। थैंक यू बेटे। शाबाश जॉनी, शाबाश भाई, मान गए तुम्हें। इसे कहते हैं खून का असर। शेर का बच्चा शिकार खेलना खुद ब खुद सीख जाता है। जिस होशियारी और चालाकी के साथ तुमने पुलिस की आंखों में धूल झोंकी है वो काबिले तारीफ है। मैंने फैसला किया है कि आज से इस चाचा के सारे नेक काम भतीजा करेगा। हाँ चाचा, बाप का लायक बेटा हूं ना, जो फसल बाप ने बोई है उसे बेटा काटेगा। नहीं जानी, नहीं, अपने अल्फाज वापस ले लो बेटे। अब देखो, मैं तुम्हारा मालिक हूँ, मैंने आज तक तुम्हें कभी कोई हुक्म नहीं दिया, मगर आज हुक्म देता हूँ बेटे, अपने अल्फाज वापस ले लो, वापस ले लो। दादाजी, कबान से निकला हुआ तीर और मुंह से निकले हुए अल्फाज कभी वापस नहीं आते। नहीं बेटे, ऐसा ना कहो, ऐसा ना कहो मेरे बेटे। इधर देखो, इधर देखो, सीमा की तरफ देखो, ये तुम्हारे होने वाले स्वागत का सिंदूर है। और बेटे, तू हमारी आंखों का वो सपना है जिसे हमने हमेशा प्यार से देखा है, प्यार से देखा। बड़े लोगों की बड़ी आंखों में मुझ जैसे जलील सपनों का क्या काम। मालिक, नाली का बदबूदार पानी हमेशा गंदी नाली में ही गिरता है। जॉनी, बोलो डाकू सूरज सिंह, चाचा मैं तुम्हारा हर काम करने के लिए तैयार हूं। जिस गुनेगार ने मेरा दिल दुखाया है उसका दिल दुखाने के लिए मैं 1,000 गुना करूंगा। बदतमीज। बड़ी मालकिन, ये मत भूलिए कि आप और आपका ये घर अब हमारे कब्जे में है। आपकी ये गलती तो माफ की जाती है, दोबारा थप्पड़ ना मारिएगा। देखा वाल्मीकि, जिस जॉनी को तुम 20 साल में राम नहीं बना पाए उसे मैंने 20 मिनट में रावण बना दिया। वाल्मीकि अपने राम की रामायण लिखते थे, मैं अपने जॉनी की रामायण लिखूंगा। किसी को नहीं छोड़ूंगा मां, एक एक को चुन चुन कर मारूंगा, चुन चुन कर मारूंगा मां।
ए बुड्ढे, इस कुत्ते को अपने जख्म चाटने के लिए अकेला छोड़ दे। जोसेफ, तुम शादी करवाना चाहते हो ना? जूली, कम हियर। हाउ इज दिस बॉय? ये तो खूबसूरत उल्लू का पट्ठा है। ओ सो स्वीट। कर्नल साहब, जोसेफ और जूली की शादी चर्च में होगी, आप इंतजाम करवाइए। नहीं जोसेफ, नहीं, रो मत, हम तुम्हारी शादी नहीं होने देंगे, चाहे हमारी जान क्यों ना चली जाए। नहीं नहीं, जाने तो सबकी जाएंगी, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिए कि आप सबकी बच जाए। इसलिए आप सबको हंसी खुशी से इस बारात में शामिल होना है, ताकि चुपचाप हथियार निकाले जा सकें। हाँ कर्नल साहब, अगर आपके पास हथियार होंगे तो आप अपने खानदान की हिफाजत कर सकेंगे। जानी बेटे, नहीं मत कहिए मुझे बेटा, इस लफ्ज से मुझे सख्त नफरत है। ये 20 साल के रिश्ते नाते किसी कचरे की टोकरी में फेंक कर खुली हवा में निकल जाए कर्नल साहब, दूर, हम बुरे लोगों से बहुत दूर। सीमा जी, मुझे यकीन है कि हम दोनों ये आखिरी खेल हंसते खेलते गाते हुए साथ साथ खेलेंगे। आगे आगे दुल्हा चले, पीछे पीछे बराती, ओए झूमो ओए नाचो ओए गाओ मेरे साथी। आगे आगे दुल्हा चले, पीछे पीछे बराती, ओए झूमो ओए नाचो ओए गाओ मेरे साथी। Thank you.
लिए हम बेचैन थे, वो वक्त करीब आ रहा है। जूली, हमें यकीन है कि तुम इस चर्च में अपनी मर्जी से और बिना किसी दबाव के आए हो ताकि तुम्हारी शादी हो सके। जी ये सच है। जी फादर, ये सच है। ठीक है, अब तुम दोनों अपने दाहिने हाथ पकड़ो और चर्च और लॉर्ड के सामने अपनी शादी की रजामंदी दो। शाबाश जोसेफ, शाबाश, शाबाश जोसेफ। हमने तुम्हारा शादी जूली के साथ करवाया है, अब तुम एक काम करो, ऊपर जाओ और इस इलाके की जितनी भेड़ बकरियां हैं उन्हें इकट्ठा करके सरहद पे ले आओ। ओके, जाओ। और सुनो, अपनी बीवी को भी साथ ले जाओ, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, अगर कोई उल्टी सीधी हरकत की तो इन सब लोगों को भेड़ बकरियों की तरह काट दिया जाएगा। नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेगा। हमारे सेठ लोगों को मारना मत, हमारे सेठ लोगों को कुछ मत करना। मैं हमसे कुछ नहीं करेगा, हमसे कुछ जाओ, जल्दी जाओ, जाओ। भतीजे, तूने अपने चाचा को चकमा देने की कोशिश की, लेकिन तू ये भूल गया कि तेरा बाप भी इस कोशिश में नाकाम रह चुका है। छुआ मत मुझे, नहीं छुआ मुझे, तुम्हारे ये खूनी हाथ मुझे। और तो कोई छुपा हुआ नहीं है। नहीं। तुझे कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ हैं? गिरजा घर में मैंने देखा कि सूरज और जॉनी एक दूसरे से खिंचे खिंचे हैं। मैंने समझ लिया दोनों के प्यार में कोई दरार आ गई है, इसलिए मैं पीछे पीछे चला आया। जालिम सिंह का साया सिर्फ तुम दोनों पर ही नहीं बल्कि कर्नल साहब के सारे खानदान पर पड़ा है। सालिम सिंह, मैंने आज तक किसी को बद्दुआ नहीं दी है, लेकिन आज तुझे बद्दुआ देता हूं कि आज का दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। बकवास बंद कर, बता तेरे साथ और कौन है? सच्चाई, मैं अकेला आया था, अब पुलिस को लेकर आऊंगा। जॉनी, पिस्तौल फेंक दो, फेंको। जानी, जानी फेंक दे पिस्तौल। कभी कभी शैतान के सामने शराफत को झुक जाना चाहिए। जानी, इधर आ, मेरे पास आ। जानी, अपने बाबा से कभी दूर मत जाना। ये फरिश्ता है, तेरी माँ का कातिल जालिम सिंह है। गॉड,
ظالم سنگھ, تم نے فادر جون کی بات سنی نا کہ آج تمہاری زندگی کا آخری دن ہے. میرا دن کبھی نہیں ڈھلتا جونی, تم اپنے دن کی فکر کرو. جگہ, جونی کا گھوڑا لے کر آؤ. یاد ہے جونی, تم ایک بار پہاڑی پر سے چائے لینے گئے تھے؟ اس وقت میرے بیٹے شکتی نے دیکھا تھا کہ کھانے کے وقت کچھ دیر کے لیے سرحد کے پہرے داروں کا دھیان چوکی سے ہٹ جاتا ہے. اسی وقت کا فائدہ اٹھا کر تم سرحد کے پار جاؤ گے اور میرے آدمیوں سے کہو گے کہ میں ٹھیک وقت پر بھیڑ بکریوں کے بیچ میں چھپتا ہوا ان کے پاس پہنچوں گا. تمہارا گھوڑا آ گیا ہے, اس کے ٹاپوں کی آواز نہ آئے اس لیے اس کے پیروں کے نیچے کپڑا باندھ دیا گیا ہے. سرحد کے پہرے داروں کا کھانے کا وقت ہو رہا ہے, تم فوراً جاؤ. چلو رامائن اپنے پاس رکھ لو. ظالم سنگھ کا آدمی ہوں, وہ بھیڑوں کے ذریعے سرحد پار کرنے والا. ہم جیت گئے. سرحد پار کرتے ہی تم کرنل کے پریوار کو ختم کر دینا. موقع ملتے ہی میں تم لوگوں کو بھی سرحد پار بلا لوں گا. چلو. میرا کام تو ہو گیا لیکن جونی کا کام تمام ہو گیا. ظالم سنگھ, اب ہماری زندگی کا بھی کوئی مطلب نہیں رہا. کرنل صاحب, آپ کی زندگی کا آپ کے لیے کوئی مطلب نہیں ہوگا لیکن میرے لیے ہے. آپ یہ اخبار لے کر مون بابو کے کیمپ میں جائیے, ان سے کہیے کہ ڈاکو سورج سنگھ ڈاکو ظالم سنگھ کا بہت پرانا دوست تھا, ان دونوں کی دوستی پھر سے جاگی ہے اور سورج سنگھ کروڑوں کا مال لے کر یہاں سے بھاگ نکلا ہے. سورج, مون بابو کے آدمی تمہارے اوپر گولیاں چلائیں گے لیکن تم رکو گے نہیں, بے تحاشا بھاگتے جاؤ گے. کرنل صاحب, آپ میرے لیے یہ آخری کام کریں گے, اس کے بعد آپ اور آپ کا پریوار ہمیشہ کے لیے سکھی رہے گا. چال بازی کی کوشش مت کرنا, میرا بیٹا شکتی تمہارے اوپر کڑی نظر رکھے گا. نہیں نہیں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے, یقین نہیں ہوتا. کرنل صاحب اپنا یہ صاحب کیا ہے؟ سورج سنگھ. رک جاؤ سورج سنگھ, میں کہتا ہوں رک جاؤ, رک جاؤ سورج, رک جاؤ ورنہ گولی چلا دوں گا. Thank you.
काले सिंह की चाल है, मैं कहता हूँ मैं ठीक कहता हूँ, रोको रोको रुक आज तेरा कातिल मुझे मिल गया। जालिम के लिए जॉनी, ये ना कहना कि निहत्ते पे वार किया। हिम्मत है तो उठा उठा। आ!